तुर्की, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सिब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को की गई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क, तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 1891 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गलीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1929 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिक पीपल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं, जैसे 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना की। 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया। 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 ईस्वी से लागू हुआ। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुंतुनिया था। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने का कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हो गई। इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमाना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फासीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 में अब्सिनिया पर आक्रमण किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फासीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 ईस्वी को वान में हुआ था। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की। जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक हिटलर था। 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। हिटलर की आत्मकथा का नाम मेन कैंप है, मेरा संघर्ष हिंदी में बोलेंगे उसको। नाजी दल का कार्य प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई थी। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली।
जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वारा अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पार्ट्स माउथ की संधि के द्वारा हुई। जापान ने 1931 ईस्वी में अपने साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मई 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ध्रुवी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली में प्रवेश किया गया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 ईस्वी को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली चेरी था। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम जो 100 मेगावाट का था गिराया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। चलिए हम लोग जो है अभी 102 के बाद जो है 103 नंबर हमारा छूटा पड़ा है, तो हम लोग यहाँ से सौर मंडल से शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी सौर मंडल को नहीं शुरू करते हैं, हमारा जो इतिहास है, जो अभी तक का इतिहास है, वो लगभग इसमें कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग फ्रेश से एक दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। अभी के लिए इतना ही, 10 चैप्टर में वो हो चुका।